तो पहले तो जानते हैं कब से कब तक किया है पापा ने और सारी चीजें। मैं जनवरी 83 से जनवरी 83 से सितंबर 2017 तक मैंने अपनी सर्विस करी है। मार्केट कमेटी बरवाला में लगा था, वहां से फिर मार्केट कमेटी उकलाना। हाय गाइस, जय श्री राम, जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मेरी बेटी लाई है मेरे लिए मेरी वॉच। अभी नहा धो के हम तैयार हैं। आज है छुट्टी का दिन, आज मेरी है वीक ऑफ, फर्स्ट वीक ऑफ है आफ्टर 15 डेज। तो आज वीक ऑफ लिया है और अभी नहा धो के फुल तैयार है। अब जाएंगे पूजा करने, थोड़ी देर पूजा करते हैं 15-20 मिनट और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है। अभी कहीं जाना पापा के साथ, तो पहले वहां जाएंगे। और मेरा बेटा दिखा रहा है पापा, वो फोन देख रहा है छोटा सा नूनू सा मेरा पल्लू। तो अभी फिलहाल जल्दी से पूजा कर लेते हैं, फिर करते हैं नाश्ता और देखते हैं कि नाश्ते में भी क्या बना है। और मेरे बेटे ने आज ये देखो क्या डाला है, दिखाओ, इधर आओ जल्दी से। आज मेरे बेटे ने डाला है यूट्यूब वाली टी शर्ट, SP ब्रदर व्लॉग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पापा चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। अब मिलते हैं अभी पूजा करके फटाफट से। आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा भाई, खा जाऊंगा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पापा को मार रहे हो, मैं तुम दोनों को देख लूं फिर, लंबी वीडियो नहीं बन रही। तो गाइस पूजा हो चुकी है और अब जल्लू को पता भी नहीं, जल्लू को लग रहा है कि मैं ऊपर जल चढ़ाने गया हूँ। मैं ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाता हूँ सूर्य भगवान को जल चढ़ाने, तो उसको पता नहीं और वो आवाजें मार रही है। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोग, वो देखो वो खड़ी दोस्तों, ये रे पापा, मैं अंदर था, अंदर था मैं तो अपने रूम में, मगर नहीं मिले, नहीं दिखे। तो आपको क्या लगा मैं कहाँ पे हूँ? कहाँ लगा आपको मैं ऊपर गया हूँ? ऊपर से तो आ गया था, तभी तो आपको विभूति लगाई थी ऊपर से आने के बाद। दादी चाय ले आई दादू के लिए, है ना गाइस। ये देखो ये मेरे लिए ना नीचे से ऊपर चढ़ के आ गया है। अब जाते हैं नाश्ता करने फटाफट से, देखते हैं नाश्ते में क्या बना रखा है। पापा ने कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ नीचे। ये नीचे से देखो इतनी सीढ़ियों से अपने आप ऊपर चढ़ के आ गई है, ऊपर चढ़ जाती है नीचे उतरा नहीं जाता बस इससे। इसने भी आज यूट्यूब वाली टी शर्ट डाली है। मैंने जाना है पापा जी के साथ कहीं पे, वो कुछ सामान लेके आना घर का और पापा जी को कोई काम था तो वो काम करके आना है। और ये देखो मैंने ना पल्लू को मना कर दिया कि हम तेरे को नहीं लेके जाएंगे, और वो देखो अभी से अपने सैंडल उठा के आ गए क्योंकि झल्लू जा रही है मेरे साथ, पल्लू नहीं जा रही। पला, ओए पला, पल्लू आप नहीं जाओगे, दीदी जाएगी, आप नहीं जाओगे। चलो अंदर चलो, रख के इसको सैंडल को, चल। ये तू नहीं जाएगा बेटा, चल ओके बाय बाय पल्लू, बाय बाय। तो गाइस अब फिलहाल चलते हैं पापा जी के साथ, और राधिका भी जा रही है अब क्योंकि पल्लू रो रही थी यार, अकेली थी, तो फिर मैं सोचा चल इसको भी ले चलते हैं घुमाएगी, छुट्टी का दिन है तो घुमा ही देते हैं। पापा जी बैठ चुके हैं, मैं भी बैठ रहा हूँ, बेल्ट लगा रहा हूँ, तो चलते हैं फटाफट चलते हैं। तो गाइस पापा गए हुए थे यहाँ काम इधर, और उधर से वापस आ रहे हैं पापा जी। आई थिंक सो बनी नहीं है बात, जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे हाव भाव से, तो भी पूछते हैं। बैंक बंद था तो इसलिए पापा अब गए हैं पापा के ऑफिस में। ये है पापा का ऑफिस जहाँ से पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, और कोई फार्म वगैरह भरना था तो वो भरने जाएंगे अब, और पूछ के आएंगे कि बैंक क्यों बंद है आज, क्योंकि इनका एक अलग से बैंक है, सहकारी बैंक। तो
चलते हैं अब हम अपने काम की ओर। पापा हमें फोन कर देंगे, हम फिर लेने आ जाएंगे पापा को। तो फिलहाल गाड़ी में हवा डलवा रहे हैं यहाँ पर। मेरे को ना हवा कम लगी थी क्योंकि मैं सामान लेने आया था घर का, तो सामान ज़्यादा हो गया। और ये देखो टायर बिल्कुल पिचका पड़ा है, तो मेरे को लगा कि हवा डलाने नहीं चाहिए। और ये बैठी अंदर जल्लू और पल्लू दोनों। फिलहाल काम हो चुके हैं सारे, अब चलते हैं घर फटाफट से। और गर्मी में बहुत ज़्यादा हो गया, भाग भाग के आया हूँ। इनके लिए चीज़ लेके आनी थी, मैं भाग के लेके आया हूँ कुछ बहुत दूर से। पहुंच चुके हैं घर, अब चलते हैं अंदर और सामान उतारते हैं पहले फटाफट, फिर देखते हैं कुछ क्या प्रोग्राम बनाते हैं आज का। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों, पीछे दो तीन दिन तो मौसम मस्त था, मेरे को लगा आज भी वैसा होगा, बट आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल सामान उतारते हैं, अकेले ही हैं तो मेरे को उतारना सारा। मैं सामान रखा हूँ नीचे और अब मैं आया हूँ ऊपर पापा जी का कमरे में। और आज जानते हैं पापा जी से, पापा जी के बारे में यानी कि पापा के ऑफिस के बारे में, क्या कुछ था, किस कैटेगरी में था वो ऑफिस, क्या होता था क्या नहीं होता था, पापा जी से जानते हैं आप एक मिनट में। तो पहले तो जानते हैं कब से कब तक किया है पापा ने और सारी चीजें। मैं जनवरी 83 से जनवरी 83 से सितंबर 2017 तक मैंने अपनी सर्विस करी है। मार्केट कमेटी बरवाला में लगा था, वहाँ से फिर मार्केट कमेटी उकलाना गया। मार्केट कमेटी उकलाना से मार्केट कमेटी हिसार 95 में आया था। 95 से 2017 तक हिसार ही रहा, उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं हुई। बढ़िया काम रहा, बहुत बढ़िया। अपना दफ्तर में बैठते थे, सारा दिन काम करते थे 10 से 5। सरकारी क्वार्टर था, पैदल आ जाते थे पैदल चले जाते थे। ये अपनी लाइफ रही है, खूब बढ़िया नौकरी करी है, अच्छे जमींदारों के फायदे के लिए काम करते थे और कभी किसी को परेशानी होने नहीं दी। जहाँ तक अपना बस चला, बस यही सर्विस का मकसद था, वो पूरा हो गया। अब 2017 से घर पर आराम करते हैं, अपना मस्ती में सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं। गाइस बहुत ही कम शब्दों में पापा ने अपनी पूरी जर्नी बता दी है, एक ही लाइन के अंदर बता दिया है। तो ये थी पापा की जर्नी, काम की है ना, वर्क की जो भी है। और इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं एंड। और आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, साथ देना, सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।